ओके, तो बच्चों आज हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। अभी तक आपने समाकलन पढ़ा है और अब ये है कि समाकलन का अनुप्रयोग क्या है, समाकलन का उपयोग क्या है। यदि मैं एक शब्द में कहूँ कि समाकलन का उपयोग क्या है, तो समाकलन का उपयोग जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है, वो है वक्रों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में? वक्रों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ठीक है ना। अब आप जैसे समझिए कि कोई फलन आपके पास है y बराबर एफ एक्स, ये आपके पास में कोई फलन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस फलन का कोई ना कोई ग्राफ होगा, ये ग्राफ है मान लीजिए इसका, ओके। और आप जो है ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है, और आप इस फलन के x के बिंदु a से लेकर के x के बिंदु b तक का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, जो किसके साथ घिरा है? x अक्ष के साथ। किसके साथ? x अक्ष के साथ। तो फलन का नाम क्या है? y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना। तो x अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या बनेगा? बहुत ही सिंपल है, समाकलन किसके साथ? x अक्ष। तो यहाँ पे dx लाइए, कहाँ से कहाँ तक? a से लेके b तक, a से लेके b तक। और यहाँ पे किसका फलन? x का फलन। किसका फलन? x का, क्योंकि जब आप अवकलन समाकलन x के सापेक्ष में कर रहे हैं, जब आपका इंजेक्शन x का है तो मरीज भी आपका किसका होना चाहिए? x का ही होना चाहिए। तो आप देखिए a से लेके b, एफ एक्स का नाम क्या है? वाई है। क्या है? वाई। तो यहाँ पर आप वाई का मान पुट करेंगे, बट इसको कन्फ्यूज मत होना आप कि वाई आ गया, एक्चुअली वाई बाद में एफ एक्स ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, क्लियर। अगर आपके पास वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, ये देखिए फलन का वाई अक्ष, अब वाई की लिमिट ए से लेके कितना? बी। अब ये देखिए आप वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा अपने पास में? ए से लेके बी, और यहाँ पे क्या आएगा? डी वाई। क्या आएगा? डी वाई। और ये बनेगा एफ वाई। क्या बनेगा? एफ वाई। तो एफ वाई क्या कहलाएगा? एक्स। तो एक्स डी वाई लिमिट ए से लेके बी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे वाई के फलन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये रहा अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यदि आपके पास में, यदि देखिए ये लिखा हुआ है वक्र y बराबर एफ एक्स का x अक्ष की रेखाओं x बराबर a और x बराबर b से घिरे हुए क्षेत्रफल का मान कितना होगा, है ना, देख रहे हैं, लिमिट x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b y dx, क्लियर। कोई दिक्कत? ये जो a है इसको निम्न सीमा बोलते हैं और b को हम क्या बोलते हैं? उच्च सीमा, ठीक है ना। अब यदि y अक्ष की बात करेंगे a से लेके b तक, तो y अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल डी वाई लग जाएगा और फलन में एक्स आएगा, क्योंकि एक्स किस में परिवर्तित हो जाएगा? एफ वाई में, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन होता है, तो एक्स वाई का फंक्शन होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है ना। तो जहाँ जैसा प्रश्न रहेगा वहाँ वैसा देख करके आप इसका हल कर सकते हैं। चलिए आइए हम सवाल नंबर एक में आते हैं। सवाल नंबर एक हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं। ये देखिए पहला सवाल है हमारा, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 से घिरे हुए क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो आपके पास में दीर्घवृत्त है, थोड़ी सी आपको ज्यामिति का ज्ञान होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो आपको ज्यामिति बननी चाहिए क्लास 11th की। आपके पास जो दिया गया दीर्घवृत्त है, दिया गया दीर्घवृत्त है, क्या है दिया गया दीर्घवृत्त? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना? 1। अब देखिए दीर्घवृत्त आपने किस रूप में देखा है 11th क्लास में? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस रूप में देखा है। तो इस रूप में यदि बदला जाए तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1, ये आ गया है। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना सकते हैं कि ये जो दीर्घवृत्त है कुछ इस तरीके का है, ओके, कुछ इस तरीके का ये दीर्घवृत्त दिया गया है। इसका बड़ा अक्ष की लंबाई कितनी है? 4, यानी दीर्घ अक्ष यहाँ पे जो बिंदु बनेगा ये क्या हो जाएगा? 4, 0, और ये वाला बिंदु हो जाएगा -4, 0, ऊपर वाला बिंदु हो जाएगा 0, 3,
और नीचे वाला बिंदु 0, -3, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इससे अक्षों से घिरे हुए, मतलब आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए है ये, इस तरीके से पूरा, ये भी और ये भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसको मैं क्या कर दूँ, चार गुना, क्या कर दूँ, चार गुना, है ना। तो इसका नाम है ओ, इसका नाम ए ले लेता हूँ, इसका नाम बी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा कुल क्षेत्रफल बराबर चार गुणे, है ना, चार गुणे, अब ये जो है हमारे पास क्षेत्र, क्या नाम है क्षेत्र का, ओ ए बी ओ, ओ से लेके ए गए, ए से लेके बी गए और बी से लेके फिर ओ वापस आ गए, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर। तो चार गुणे ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो चार गुणे क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो देखिए एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे यदि आपको दिक्कत हो रही है तो बेस्ट तरीका इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप एक यहाँ पे एक पट्टिका ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक पट्टिका, ये आपने एक पट्टी ले ली, समझ में आ गया। अब ये देखिए ये पट्टिका जो है आप खिसकाते जाइए, तो आप जब खिसकाएंगी तो यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, जीरो, और खिसका खिसका के अंत तक लेके आएंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, चार, तो लिमिट कितनी हो गई, जीरो से लेके फोर, ओके। अब यहाँ पे आप जो है इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित कर रही, समाकलित कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स, और यहाँ पे क्या जाएगा, वाई। अब आपको कुल मिला के वाई का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, वाई का। तो वाई का मान निकालने के लिए हम समीकरण की मदद लेते हैं, है ना, और वाई का मान हम पुट कर देते हैं। देखिए वाई का मान निकालने के लिए हम समीकरण की मदद लेंगे, कैसे होगा हमारे पास, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना था, 1 था, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, क्लियर है कि नहीं है। अब यदि आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 9 और यहाँ पे कितना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो y इक्वल टू अंडर रूट 16 बाई 9 और साथ ही साथ में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16 का रूट आएगा 4, इसका 3 और रूट के अंदर बैठा रहेगा कितना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 तो बाहर बैठा हुआ है, इंटू 4/3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 4/3 का 4 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ये 16/3 बन जाएगा, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट किस में लगेगी बेटा, यहाँ पे मैं कुछ भूल भी गया हूँ और मुझे समाकलन का निशान लगाना था, मैं समाकलन का निशान ही नहीं लगाया, है ना, 0 से लेके 4 और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स। चलिए तो 4/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्लियर, अंदर क्या बच गया बेटा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट 0 से लेके 4 तक। अब हमको समाकलन करना है, अब हमको समाकलन करना है, 16/3 तो ठीक है बाहर है। अब एक सूत्र होता है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन का सूत्र आपकी किताब में दिया गया है। देखिए ये सूत्र क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बिल्कुल सही लिखा है मैंने सूत्र यहाँ पे, अंडर रूट एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्लियर। तो अब यहाँ पे इस सूत्र को इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं, देखिए क्या है हमारे पास, जो समाकलन आ रहा है, जो हमारे पास क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ चुका है, है ना, क्या चल रहा था लेफ्ट साइड में, कुल क्षेत्रफल, लेफ्ट साइड में कुल क्षेत्रफल बराबर 0 से लेके 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यानी कि हाँ ठीक है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स कुछ भूल गया मैं, 16/3 भूल गया था, तो 16/3 मैं बाहर रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ, 16/3 फार्मूला लगाता जाता हूँ ऊपर के जैसे, देखिए आप यहाँ पे, तो 16/3 बाहर बैठा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना,
और यहाँ पे क्या चल रहा है इक्वल। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स है, तो एक्स बाई टू, तो एक्स की जगह एक्स है, एक्स बाई टू, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ही रहेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर कितना है 16 बटे 2, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 4 का स्क्वायर है। क्लियर भाई, ए का स्क्वायर 16 है तो ए तो 4 हो जाएगा ना, और लिमिट कितनी 0 से लेके 4 तक। चलिए अब पुट करते हैं, लिमिट किस तरीके से प्रयोग करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 16 बटे 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूँगा, तो 4 बटे 2 और अंदर 16 माइनस 4 का स्क्वायर, वाह ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 16 माइनस 16 प्लस 16 बटे 2 को 8 लिख दूँ, ये कट गया, इसको 8 लिख दिया हमने बच्चों, और साइन इनवर्स एक्स की जगह 4 बटे 4, ये हो गई हमारी। सबसे पहले मैंने कौन सी सीमा पुट कर दी, उच्च सीमा। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में एक माइनस का निशान होता है, अब निम्न सीमा पुट करते हैं, तो जैसे ही 0 पुट करूंगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और प्लस 16 बटे 2 यानी कि प्लस का 8 साइन इनवर्स 0, ये भी हो गया 0, मतलब ये टोटल टर्म तो खत्म ही हो गया, ये जो टर्म है ये क्या हो गया खत्म है ना, ये टर्म खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 16 बटे 3, अब 4 बटे 2 का मान ये भी 0 हो गया, क्योंकि 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया, केवल अंदर बचा साइन 8, 8 भी बचा है, 8 इंटू साइन इनवर्स 1 1 आ गया। क्लियर है, चलिए तो देखिए 16 बाई 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 90 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं पाई बाई 2, पाई बाई 2, अब 2 से काट दीजिए कितने बार 4 बार, तो देखिए आंसर कितना आएगा 16 इंटू 4 इंटू पाई बाई 3, तो आंसर आ रहा है 64 पाई बाई 3, कुछ गलत यदि नहीं किया हमने तो आंसर हमारा 64 पाई बाई 3 आना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, देखते हैं क्या गलती हुई है, 3 बाहर आ रहा था, एक कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो 4 टाइम्स ओके ओके 4 थ्री बाई 4 ओके 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 ओके, देखिए हाँ यहाँ पे मिस्टेक समझ में आ गई है, हमने जहाँ 4 बाई 3 लिखा एक्चुअली वहाँ पे 3 बाई 4 आना था, देखिए कैसे क्या गलती हुई है, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 में देखिए 9 जो है एक्चुअली कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ना, और हमने यहाँ उल्टा कर दिया है, इस वजह से हमारा आंसर गलत आ गया भाई, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 बाई 16, तो अंदर भी क्या जाएगा 9 बाई 16, तो अंदर भी 9 बाई 16 ही जाएगा 9 बाई 16, यहाँ भी कितना आएगा 9 बाई 16 का रूट आएगा बेटा 3 बाई 4, 3 बाई 4, तो जहाँ हमने 4 बाई 3 रखा था एक्चुअली वहाँ पे क्या आना है 3 बाई 4 आना है ना, तो जहाँ हमने 4 बाई 3 रखा था वहाँ हमें 3 बाई 4 रखना है, तो ये देखिए मैं चेंज कर देता हूँ इन जगहों को, तो यहाँ पे 3 बाई 4, अब 4 3 बाई 4 जैसे ही बाहर आया तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल क्या बचेगा बाहर 3 बचेगा, तो जहाँ इतना हमने ये बचा रखा है यहाँ सब हमें क्या बचाना है 3, क्या बचाना है 3, तो यहाँ भी हमें 3 बचाना है, इधर भी 3 बचाना है, इधर भी 3 और इधर भी 3 और यहाँ भी कितना 3 ही बचाना है। चलिए तो अब हमने सब जगह 3 रख देना है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, अब आपका आंसर आ जाएगा, बताइए 3 4 जा 12 पाई, क्या आ गया आंसर 12 पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि में आएगा, तो इसका आंसर होगा 3 बाई 4 वर्ग इकाई, ये देख लीजिए आंसर 12 पाई वर्ग इकाई, कितना आ गया 12 पाई वर्ग इकाई, ये भी हमने भी यही निकाला है, और जैसे आपने सही किया आपको मिल जाएंगे 5 में से 5 पूरे अंक, ठीक है, तो इसको नोट कर लें, इस तरीके से हमको सभी क्वेश्चन करने हैं इस प्रश्नावली के।